तो आज हम लोग सीखेंगे कि फ्रिज के कंप्रेसर का प्रेशर चेक करना, मतलब ये कंप्रेसर ये जो हमारा है अगर इसका प्रेशर भी डाउन हो जाएगा तो ये कूलिंग नहीं करेगा। तो सब किस तरीके से चेक करते हैं इसको समझिए ध्यान से। वीडियो तो नीचे चल रही है। क्या वीडियो तो नीचे चल रही है? चल रहे ना, मतलब वो सेकंड चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सेकंड चल रहा है। तो वहीं चल रहा है, चलने दीजिए, काट देंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको करना ये होगा कि जो आपका ये जो फिल्टर है इस फिल्टर को आपको हटाना होगा और ये जो आपकी चार्जिंग लाइन है इसको काटना होगा। अगर इसमें पिन है तो इसके पिन को निकालना होगा, इतना काम करना होगा। तो फिल्टर को हम हटाते हैं और किस तरीके से प्रेशर चेक करते हैं इसको समझिए ध्यान से। एक तो ये है कि आप कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन पे NRV पिन लगा करके यहाँ से प्रेशर चेक कर लीजिए। लेकिन जब सिस्टम में लगा रहेगा तो वहाँ पे ये निकालना अच्छा नहीं है। अच्छा क्या है कि यहाँ फिल्टर लगाएंगे ही नया, तो उसको खोले ही है तो वहीं पे हम चेक कर लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक छोटी सी NRV पिन लगा देते हैं। ये हमारी NRV पिन है और ये NRV पिन यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे जो पाइप है वही लगी रहेगी, पिन जो है पिन निकाल लेंगे, पिन कोई मतलब नहीं यहाँ पे। और लगा देंगे एक गेज, हमारे पास एक प्रेशर गेज होना चाहिए, तो प्रेशर गेज यहाँ पर लगा देते हैं। इस प्रेशर गेज के हैंडल को बंद रखेंगे। चलिए ये ऑफ है और अगर ये 400 से 450 PSI ये जीरो से शुरू होता है, अब हम इसको जोड़ देंगे सीधा यहाँ पे। और कंप्रेसर कर देंगे ऑन। कंप्रेसर जैसे ही स्टार्ट होगा तो ये हवा यहाँ से खींचेगा, है ना, यहाँ से भी खींचेगा और यहाँ से भी खींचेगा। तो ये जैसे ही कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो ये हवा यहाँ से खींचेगा और खींच के डिस्चार्ज से बाहर फेंकेगा और ये कंडेंसर से होते हुए ये हवा यहाँ से बाहर निकलना चाहेगी। लेकिन ये गेज लगा है, गेज बंद है, तो ये हवा कहाँ जाएगी? गेज में जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर चढ़ेगी हवा। अगर ये गेज की सुई इस कंप्रेसर के प्रेशर से 400 से 450 PSI तक पहुंच जाती है तो इसका मतलब इस कंप्रेसर का प्रेशर 50% सही है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे गेज की सुई जब चालू की है तो ये 400 तक पहुंच गई, 450 तक पहुंच गई, इसका मतलब 50% सही है। फिर उसके बाद इस कंप्रेसर को ऑफ कर देंगे। जैसे ही कंप्रेसर बंद करेंगे और ये गेज ऐसा ही रहेगा, कंप्रेसर जैसे ही बंद करेंगे तो ये धीरे धीरे ये बैक मारते हुए यहाँ से हवा बाहर निकलेगी, चढ़ी है। तो अगर ये सुई हमारी धीरे धीरे रिटर्न आती है, वापस आती है, तो इसका मतलब कंप्रेसर का प्रेशर 100% सही है। और अगर तेज़ी से वापस आती है तो डाउन है। इस चीज़ को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं प्रैक्टिकली करके, है ना। लाइए अगर ये चार्जिंग पिन बंद कर देंगे तो हवा कहाँ से खींचेगा? यहाँ से खींचेगा और कैपेसिटी से बहुत कम हवा खींच पाएगा, इसी वजह से बहुत कम हवा फेंक पाएगा, तो प्रेशर कहाँ चेक कर पाएंगे? इसलिए आपको ये खोल देंगे पाइप, या ये खोल दीजिए या सक्षम खोल दीजिए, लेकिन खोलना ये आसान है, जुड़ा हुआ है। तो लाइए कंप्रेसर, सर उठाइए वहाँ से, आइए सर को पिन जो लगे रहेंगे। हाँ, कंप्रेसर चालू करेंगे पिन निकाल देंगे, बस दाबे रहेंगे तभी होगा। ठीक है, नहीं अंदर कंप्रेसर ऑटोमेटिक नहीं खींचेगा? अरे ऑटोमेटिक खींचेगा, अंदर पिन किसी खींच लेगा, इस पर रखिए ऊपर आ जाइए। और ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए तो चेक करने के लिए हम इस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, मतलब अपने कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं और इसको चेक करा के आपको दिखाते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है और ये हमारे पास है गेज मीटर जो कि प्रेशर गेज है और इसकी दो लाइनें हैं, देखिए ध्यान से, तीन लाइनें फिलहाल हैं। एक तो फिलहाल यहाँ पर बंद की गई है, ये बंद है, और एक सक्शन लाइन है और एक डिस्चार्ज लाइन है। तो ये यहाँ से हवा को खींच रहा है और यहाँ से फेंक रहा है। अगर हम चाहते तो यहीं से कर देते, लेकिन बात ये है कि हमें क्या करना है, सिस्टम में लगा हुआ तो कंडेंसर के वहाँ हमने पाइप खोली है तो कंडेंसर के आउटपुट से ही चेक कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमें चेक करना, कैसे चेक करेंगे, तो ये सीधा इसको ले लेंगे पाइप को, पहले इसको खोले रखेंगे और यहाँ पर कस देंगे इसको प्रेशर गेज के अंदर जो फेंक रहा है डिस्चार्ज लाइन पर। अब ये हवा यहाँ से निकल रही, देखिए, अब जैसे इसके हैंडल को बंद किया जाएगा तो यहाँ पे ये सुई हमारी बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ेगी। अगर ये 450 तक पहुँच जाती है इसका मतलब इसका 50% सही है प्रेशर, और जब बंद करेंगे तो ये धीरे धीरे अगर वापस आती है तो 100% सही है, अगर तेज़ी से आती है तो ख़राब है। देखिए बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है और जैसे ही 450 पर जाएगी हम यहाँ पे सिस्टम को बंद कर देंगे, कंप्रेसर को ये बंद करिए। 450 पहुँच चुका है और ये जो गेज की सुई है बहुत स्लो रिटर्न जा रही है, वापस जा रही है, तो इसका मतलब है कि इस कंप्रेसर का प्रेशर 100% सही है। अगर ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाती तो क्या होता, ये ख़राब रहता कंप्रेसर प्रेशर। अगर ये ऐसे जाती तब भी डाउन है।
अगर ये वो स्लो स्लो जा रही है वापस, तो इसका मतलब ये 100% सही है। तो यही चेक करने का तरीका है। तो हम लोग क्या किए यहाँ पे, आप उसको ऊपर कर दीजिए, हो गया। तो चलो इसको हम लोग निकाल देते फिलहाल, और सप्लाई निकालिए वहाँ से, ऊपर कर दीजिए। जिनको जिनको नहीं समझ में पूछ लीजिए, समझ में आया, आपको समझ में आ रहा है चीज। अब देखिए इसको साइड कर दीजिए, हटा दीजिए कंप्यूटर को। अब यहाँ पे जो हमने अभी जस्ट चेक किया है, वो कैसे चेक किया था आपको पता होगा कि ये हमने यहाँ से कंप्रेसर को अलग कर दिया था और यहाँ पे एक एनआरबी पिन लगाए हुए थे, और लगाने के बाद ये जो एनआरबी पिन ये डायरेक्टली कहाँ, यहाँ पे जो हमारा ये जुड़ा है यहाँ पे ना, ये हम कहाँ जोड़ दिए थे, यहाँ पे जोड़ दिए थे। यही तो प्रोसेस है ना, ये लाइन यहाँ से हवा खींच रही है और यहाँ से फेंक रही है, और ये हमने बंद किया है, प्रेशर चढ़ गया 450 तक, मतलब 50% सही है। बंद किए, धीरे धीरे वापस आ रहा तो 100% सही है। लेकिन ये खोलना पड़ेगा ना, बिना ज़रूरत कोई मतलब है ना इस खोलने की। तो उससे अच्छा हमने क्या किया कि इसको यहीं पर रखे रहने दिए, और ये यहाँ पे जोड़ दे लगा रहेगा। इसको हम लोग जब फिल्टर निकाले हैं बदलने के लिए, तो वहीं पे ये गेज लगा करके चेक कर लेंगे कि वही बात होगी। अब देखे थे कितना जल्दी प्रेशर चढ़ा था, अभी वहाँ पे जब प्रेशर डाल रहे थे तो यहाँ पे आएगा प्रेशर और सीधा यहाँ पे चढ़ जाएगा। इस तरीके से कंप्रेसर प्रेशर चेक कर लेते हैं। लेकिन और दूसरा तरीका जो कि फील्ड में तो हरदम कर नहीं सकते ना, तब भी, हाँ तब भी उतना ही, इतना जितना मतलब बिना पाइप लगाए मतलब करना है चढ़ाना, उतना ही पाइप जुड़ जाएगी तब भी चढ़ाना। यहाँ पे कोई वैसा घुमाव है ही नहीं ना, बस एक पाइप है, ज़्यादा घुमाव नहीं है, तो इतना ये हो गया ये। लेकिन प्रोफेशनल तरीका, इसका इमेज ले लिए, मतलब वो बना लिए है ना, पाइप बन गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है जो कि हमें फील्ड में उसका इस्तेमाल करना है ज़्यादातर, क्योंकि ये सब करने में तो टाइम जाएगा ना, कोई मतलब है नहीं। तो उसका तरीका ये है, पर यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चालू कर देंगे, हवा यहाँ से निकल रही है, और हवा यहाँ से जो निकल रही है यहीं पे लगा देंगे अंगूठा, और अंगूठा जब यहाँ पे लगाएंगे आप तो पूरे जान से दाबना है इसको, पूरा जोर लगा के। अगर ये कंप्रेसर का प्रेशर आपके अंगूठे को हटा देता है तो इसका मतलब ये 100% प्रेशर सही है, और अगर ये नहीं हटा पाता है तो ये कंप्रेसर प्रेशर ख़राब है। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे नहीं चेक करेंगे, इसकी एरिया है, अगर ये डाउन भी रहेगा तभी हटा देगा, यहाँ पे चेक करना है क्योंकि इस पर लोड भी पड़ रहा है ना इधर, तो यहाँ पे चेक करना है। तो इसी तरीके से फील्ड में चेक करते, फिल्टर हटाएं एक बार, दबा के चेक करिए कि हाँ हटा पा रहा है, नहीं हटा रहा, नहीं हटा पा रहा मतलब ख़राब है, हटा दे रहा था मतलब ठीक है। तो इस तरीके चेक कर लेंगे, बाद में हम फिल्टर नया लगाएंगे यहाँ पे, इसको हटाने के बाद यहाँ पूरा टाइट से दबाएंगे, जितना जान है उतना जान से दबाएंगे, पूरी ताकत से। हाँ, फिर ये हमने फिल्टर यहाँ पे नया लगा देना है, उसके बाद फिर यहाँ पे इसको जोड़ देना है। सीधा हम क्या करेंगे, गैस मीटर यहाँ पे लगाएंगे, वैक्यूम करेंगे और गैस चार्ज कर देंगे। वैक्यूम करने के लिए देखिए, थोड़ा सा आप थोड़ा समझ लीजिएगा, वैक्यूम करने के लिए आपको एक गैस लेना पड़ेगा इस तरीके का, और एक वैक्यूम पंप होता है, देखिए वहाँ पर रखा हुआ वैक्यूम पंप, इस वैक्यूम पंप को ले लेंगे आप, और इसको क्या करेंगे, जो साइड वाला सिरा है इसको यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से खींचता है और यहाँ से फेंकता है, ये साइड वाला जो सिरा है इसको यहाँ पे को जोड़ देना है आपको, और ये जो यहाँ पे भी एक नारी पिन लगा देंगे हम, इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। ये क्या करेगा, इसके अंदर के सारे जो भी हवाएँ रहेगी जितनी भी, उन सबको ये खींचेगा, और जब खींचेगा तो ये जो जीरो थी ना, ये -30 पे सुई आ जाएगी, इसका मतलब कि इसके अंदर की सारी हवा ये खींच करके यहाँ से बाहर कर दिया है। जब हवा बाहर निकल जाए इसको बंद करना है, तो बंद करके इस बार को इसको हटाना है, और यहाँ लगा देना है गैस सिलेंडर, और गैस सिलेंडर लगाने के बाद यहाँ से गैस धीरे धीरे यहाँ पर चार्ज कर देना है। जब सुई 8 PSI पे आ जाए, 10 PSI पे, तो इसका मतलब गैस हो चुकी है।